पहल संस्था ने नगर के दुकानों पर पहुंचकर दशहरे की शुभकामनाएं दी। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश त्योहार के बाद बुंदेलखंड अंचल में दशहरा मिलन की वर्षों पुरानी परंपरा है, जिसे लोग काफी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी क्रम में आज पहल सामाजिक संस्था द्वारा शहर के हजारों लोग और व्यापारियों को उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर पान खिलाए गए। पहल संस्था द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार इस तरह का दशहरा मिलन समारोह मनाया जा रहा है। पहल समिति के अध्यक्ष अभिषेक खरे रानू ने जानकारी देते हुए बताया कि पहल समिति अपनी परंपरा एवं संस्कृति को जीवंत रखने के लिए संकल्पित है, इसलिए हमारे द्वारा ऐसे आयोजन कर युवाओं को अपनी परंपराओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि पहल संस्था द्वारा विशाल दही हांडी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का भी पिछले 5 वर्षों से लगातार आयोजन कर रही है, जो एक बृहद स्तर पर आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पहल समिति के सदस्य उपस्थित थे। हर वर्ष की तरह पहल समाज संस्था के सारी कार्यकर्ता, ये 3रा वर्ष है। हर साल हम लोग दशहरा के एक दिन के बाद हम लोग निकलते हैं और पूरे शहर में सभी व्यक्तियों को, सभी दुकानदार भाइयों को, सभी अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को, जो भी हमें नगर में मिलते हैं, सभी को हम अपने हाथ से पान खिलाकर सभी खुशियों को मनाते हैं। टीकमगढ़ से कैलाश मोहन जड़िया के साथ जलीम खान की रिपोर्ट। आप देख रहे थे न्यूज़ 360.com, खबरें अलग अंदाज में।